मुलायम सिंह यादव अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे रहे और पिछले 6 दशक से उन्होंने राज किया, तो उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ रहा तो वो उनके भाई शिवपाल यादव का रहा। शिवपाल हमेशा मुलायम के साथ साये की तरह रहे। जब तक मुलायम राजनीति में सक्रिय रहे, शिवपाल का भौकाल कायम रहा। लेकिन 2012 में पुत्र मोह की वजह से मुलायम ने अखिलेश को सीएम बनाया तो शिवपाल को ठेस लगी। धीरे धीरे अखिलेश ही समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए और इसी के साथ शिवपाल का समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूटता गया। आखिरकार चाचा भतीजे की अदावत इस कदर बढ़ गई कि रास्ते अलग करने पड़े। शिवपाल ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि नेताजी उनके लिए सब कुछ है और वो जब तक है उनके ही आशीर्वाद से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। ऐसे में इस गम के दौर से उबरने के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में जंग देखने को जरूर मिलेगी। इसके लिए मैदान भी तय हो चुका है, मैनपुरी। जी हाँ, वही मैनपुरी जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद थे। अब उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी है और जल्द ही यहाँ उपचुनाव कराए जा सकते हैं। इसी उपचुनाव में शिवपाल यादव दांव ठोक सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से अखिलेश या डिंपल मैदान में दिख सकते हैं। ऐसे में ये साफ है कि चाचा भतीजे की जंग जरूर होगी। वैसे भी शिवपाल पहले ही इच्छा जता चुके हैं कि वो भाई मुलायम की विरासत को जरूर संभालेंगे। वहीं नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद भी शिवपाल ने साफ कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो उसे निभाने के लिए तैयार है। जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे उत्तर, हमारा दल भी है अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारा दल भी है, तो सबके बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। अब शिवपाल यादव के इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि वो अपने दल को पूरी तरह से सक्रिय कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ट्विस्ट लाने वाले हैं। और नेताजी के निधन के बाद अब अखिलेश के खिलाफ भी वो खुलकर मोर्चा खोलने वाले हैं, जिसके लिए मैनपुरी उपचुनाव का इंतजार होगा। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनता है और यादव परिवार किस तरीके से बिना नेताजी के राजनीति करता है। फिलहाल सुनिए शिवपाल यादव और क्या कुछ कह रहे हैं। क्या हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में तो आप पड़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे उत्तर, हमारा दल भी है अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारा दल भी है, तो सबके बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है अब।